उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मधुबनी अंचल के नौका टोला दौनहा में रास्ता अतिक्रमण मुक्त हेतु अंचलाधिकारी मधुबनी और थानाध्यक्ष घनाहक द्वारा पुलिस बल के साथ रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अंचलाधिकारी मधुबनी नंदलाल राम ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर रास्ता खाली कराया गया है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश प्राप्त हुआ था। यह मुकदमा 2012 से चला आ रहा था। सोहन राम के रास्ता को शंकर राम द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। 12 साल के मुकदमे के बाद उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद अंचलाधिकारी मधुबनी नंदलाल राम, थानाध्यक्ष धर्मवीर कुमार भाटी दल बल के साथ दौनहा पहुंचे एवं जेसीबी के माध्यम से रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान शंकर राम के परिजनों द्वारा विरोध किया गया, जिस पर पुलिस को हल्का फुल्का भी प्रयोग करना पड़ा। ये झगड़ा बाटे, ये खेत आधा आधा का हिस्सेदार हैं, भाई पटदार तो आधा हमके दले बड़े राजकुमार, आधा अपने लेले बड़े। आ हमरा खेत में जब हमके घर बना दले, हमरा खेत में उनका खेत में हम आईनी तो जाकर सीओ के लगे वीडियो बना अथी नक्शा कटा दले बड़े, हिस्सों दे दले बड़े। ये 2012 से शुरू भइल बा, आ जमीनो लिखा लेले बड़े। अब केकरा से झगड़ा रहला, केकरा ये बड़ा झगड़ा चल रहा था सोहन से और ये क्यों बा विरोध में रहौरा आ वे बड़े राजकुमार। अच्छा, तो इनके केकरा द्वारा ही राउर घर के हटावल गेल, केकरा द्वारा है ई सोहन के, केकरा द्वारा ही सब हटावल गेल है राजकुमार के है नहीं अति सीओ के, सीओ को तड़े हमारा राजकुमार को तड़े हमारा। कौन हटाया है? सीओ। का नाम? अपन रंजू देवी। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह बा कि राजकुमार के घर है, अथी जमीन है, घर बदलाइन में दहल जमीन का हम उचल गए हमन के जमीन में, अपना जमीन में हमन के भेज दहल। 2012 में ई जमीन ई दहल है, 2011 में 2012 में ई नक्शा कटवा के साइन उन दे के सब जन मिल के सोहन मोहन रामजीत राजकुमार राजकुमार के पूरा परिवार मिल के निशान दे के आ पर रास्ता निकलवा दिहल। कितना दिन से झगड़ा चल रहा है? लगभग 2012 से। 2012 हाँ। और आज जाके सीओ साहब के द्वारा क्या हुआ है यहाँ पे? सीओ साहब आके घर उजाड़ दल है। अच्छा, तो ये तो सीओ साहब कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, सरकारी खाता तीन का जमीन है, ए पर सरकारी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन पर नहीं है रास्ता। मंजू देवी, किस तरह का समस्या था ये? इस समस्या 14 साल से हम नक्शा जैसे कट गए दौड़ दौड़ का राम करके। किसके बीच झगड़ा था ये? सोहन मोहन। सोहन कौन है आपके? सुरेश बेटा। बेटा है आपके? हाँ। और कौन लोग है उसमें, और कितने लोग लड़े थे उसमें? तीनों आदमी, तीन जन हमारा बेटा है, तीनों आदमी लड़ते हैं। हमनी का बूढ़ा बूढ़ी है, बताइए हमने के रास्ता ही पर चाहिए ना, के मह जाएगा आखिर हमने का कान ही धक्का नहीं जाएंगे। और भी तो आपका पट्टी पटदार है जिसका रास्ता आप लोग रोक के रखे? नहीं, कोई नहीं रोका, कोई नहीं, कोई लोग रहे तो हमने के कुल भोग है के नहीं पर यही जो है जो 3 डिसमिल का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और भी तो इधर का लोग है? नहीं है, नहीं वो हम नहीं जानते हैं। जहाँ जहाँ जो चीज है वो चीज को रखिए ना, जहाँ पर जो चीज है। हम नहीं पूछ रहे हैं, रास्ता सिर्फ आपके लिए खुला है? नहीं, ग्रामीण आम जनता के लिए हम हाँ किसी को इधर से लोगवा कैसे आएगा ना, वहाँ पे थोड़े वहाँ पे रास्ता है तो दे दीजिए। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर रास्ता है तो? हाँ, नहीं रास्ता है तो उसका बात नहीं। यहाँ यहाँ का मामला है सोन जी, अब कतरा क्यों रहे हैं? किस तरह का मामला है? मामला ये है, मामला ये है जो 3 डिसमिल का जो रास्ता है वो अतिक्रमण किया गया है। कुछ लोग आपका हुआ है? नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं खाली हुआ है, सारी लोगों का खाली हुआ, ग्रामीण आम जनता के लिए खाली हुआ है। लड़ाई तो आप कर रहे थे? नहीं, लड़ाई तो हमने कर रहे थे सारी लोगों के लिए, है कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं कि इस रास्ते पे सब कोई आएगा जाएगा? हाँ, इस रास्ते पे कैसे आएगा जाएगा, क्योंकि रास्ते में तो आप भी पड़ते हैं, आपका भी घर पड़ता है। नहीं नहीं, कहाँ पे हमारे रास्ता में घर पड़ रहा है? उधर न कहाँ है कोई, नहीं अगर रास्ता है तो हमको साबित करिए जहाँ रास्ता है यहाँ पे। आप मतलब कानूनी प्रक्रिया की बात? हाँ, कानूनी प्रक्रिया। हाँ, जो चीज है वो होना चाहिए। सोहन, आपका सोहन नाम है? नहीं, मोहन। मोहन जी, मुझे बताइए आज किस तरह की घटना हुई और क्या इसमें कानून के प्रति आप क्या देख रहे हैं? हम कानून के प्रति यही देख रहे हैं जो रास्ता को अतिक्रमण था, अस्थायी तौर पर सीओ साहब ने आकर के अस्थायी तौर पर अतिक्रमण को समाप्त नहीं किए हैं इस समय तक। नहीं किए? हाँ। और सोहन जी की अतिक्रमण यहाँ पे पूरा मुझे क्लियर नहीं? नहीं, क्लियर तो नहीं है, नहीं कोई ना, नहीं कोई नापी हुआ है, नहीं कोई चिन्हित किए, और विपक्षी हमारा मान लीजिए हमारे ऊपर जो है क्राइम पर क्राइम करने के लिए सब कुछ तैयार है, कोई एक्शन नहीं सरकार ले रही है इस समय तक। आपसे ये कह रहे हैं सोहन जी, ये रास्ता आपका मांग क्या था कि अतिक्रमण हटाया जाए? हाँ, प्रशासन हटा दी है। हाँ,
कोर्ट का आप कहीं ना कहीं आदेश कोर्ट को आप मानते हैं ना कि कोर्ट सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। उसी के अधीन काम किया है ना लोग। कहाँ किया है सर? अभी क्या दिक्कत है आपको? अभी तो बहुत सा दिक्कत पड़ा हुआ है। अभी जैसे कि तो ऐसी है रास्ता, अभी क्लियर कहाँ है? समस्या तो यही है, अभी अतिक्रमण पड़ा हुआ है। अतिक्रमण कहाँ साफ हुआ? खड़ंजा कराना चाची सीओ साहब का नहीं है, अतिक्रमण हटाना उनका काम है। अतिक्रमण तो स्थायी तौर पर अतिक्रमण हटाना चाहिए ना। अब हटाया गया है, हमको दिख रहा है वहाँ पे सारे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय मान लीजिए आपके सामने हमको गाली दिया जा रहा है और मान लीजिए धमकी दिया जा रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं, मान लीजिए प्रशासन ले रही है ना, सीओ साहब कोई कार्रवाई की है? मोहन जी, इसमें क्या होता है, जब आपका ये रास्ता खाली किया गया है तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें रोल अदा की है? नहीं, कुछ भी नहीं हम देख रहे हैं। क्या हम देख रहे हैं? प्रशासन बड़े बाबू आए थे कि नहीं आए थे? हम तो ये नहीं देखे जो बड़ा बाबू आए थे कि प्रशासन तो आया था, आया था यहाँ पे, सीओ साहब आए थे। अब कितना खाली कराया गया, क्या खाली कराया, ये मेरा रोल नहीं है। बस मैंने ये देखा यहाँ अतिक्रमण हटाया गया, जो मेरे पास पूरा फुटेज और वीडियो है। नहीं, कोई यहाँ पे रिलीज नहीं है जो मान लीजिए अतिक्रमण जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। नहीं, यहाँ पे नहीं कोई चिन्हित किया गया, नहीं कुछ भी किया गया और हटाया गया अधूरा काम छोड़ करके। यही तो सारी आदेशों से मतलब, चूंकि हम जुड़े हुए हैं और गरीब आदमी, हमने तंग तबाह हो गए हैं इसी को लेकर के ना। अभी आप क्या कहेंगे प्रशासन को, कुछ संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन को हमने यही देना चाहेंगे, स्थायी तौर पर रास्ता को क्लियर करें और जितना भी प्रतिवादी मतलब अतिक्रमणगढ़ है उसके ऊपर FIR दर्ज करें। ऐसा ये तो आ रहा है, नहीं ये तो सरकार का प्रति ये काम हुआ है ना, इसलिए सरकार का अधीन हम भी हैं, सरकार का अधीन मतलब पता अधिकारी सब भी है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि कोर्ट का जो ये मामला है, आदेश है, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? हाँ, नहीं संतुष्ट है। इसलिए क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, इस समय तक अतिक्रमण तो अधूरा है पड़ा हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है, और मान लीजिए विपक्षी और मतलब आप तबाही मचा दिया है, गाली वगैरह सब कुछ दे रहा है।